नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी। आज नीम का थाना, जो राजस्थान के नीम का थाना तहसील में धर्म के जो नकाब हैं वो बेनकाब होंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट कि गाय को कचरा समझकर, गोवंश को कचरा समझकर कचरे के ढेर में डाला जा रहा है। नगर पालिका गौशाला, श्री गोपाल गौशाला जो खेतड़ी मोड़ पर स्थित है, उसकी गाय और बछड़े को नगर पालिका के द्वारा बनाया गया नाका क्षेत्र, जहाँ कचरा पड़ा रहता है नगर पालिका का, उस कचरे के ढेर में कचरा समझकर डाला गया। क्या इंसानियत, मानवता मर गई है? इंसानियत और मानवता तार तार हुई है नीम का थाना में। एक एक रिपोर्ट देखिए, हमने 5 पत्रकारों की टीम ने यह ऑपरेशन किया है और नीम का थाना को झकझोर देने वाली घटना है। गौ सेवक और जो गौ को मानकर पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत शर्मनाक विषय है। जिन लोगों ने यह किया है, बहुत आस्था को खंडित किया है, गौ सेवकों की आस्था को, धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों को, और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। देखिए कौन कौन है जिम्मेदार इस मानवता के खिलाफ और इस इंसानियत के खिलाफ, जिन्होंने गाय को, गोवंश को कचरा समझकर कचरे में डाल दिया। इनकी हिम्मत हो गई कि कचरे में गाय को डाला जा रहा है और बयान देते हैं ये खड्डा खोदकर दबाने का, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। नीम का थाना में मानवता के नाम पर खेल खेला जा रहा है, साठ गांठ करके पैसों की कमाई की जा रही है, बोलने वाला है कोई नहीं। नीम का थाना उपखंड अधिकारी ने भी इस पर कार्रवाई की बात कही है, जो जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरा सच हमारे साथ, धन्यवाद। ये लंपी के दौर चलते हुए देखो, आज गौशाला को देखो, कूड़ा जैसे कूड़ा में भर के देखो, गौओं के मुंह देखो, देखो बछड़े वगैरह मरे हुए देखो, लंपी से देखो, बहुत सारे अरे भग रहे हैं। देखिए नीम का थाना के ये गौओं की हालत है, गौशाला जो नीम का थाना की ये हालत, अध्यक्ष गौशाला के अध्यक्षों की लापरवाही की वजह से आज कूड़ा जिस तरह से पता नहीं चले लोगों को, उस तरह से ये लोगों ने कूड़ा में छोटे छोटे बछड़ों को डाल के बड़े बड़े गायों को मरी हुई लंपी वायरस से नहीं इलाज के दौरान, और ये ले जा रहे हैं कूड़े में। अभी आपको पूरी फुटेज दिखाता हूँ इनकी, अभी इनकी पूरी फुटेज दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। शायद ये लग रहा है कि यहाँ से पहले और भी गायें को लेकर यहाँ आए हुए हैं, अभी जानेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ ट्रैक्टर जा रहा है, देखो आपको दिखा रहे हैं ये। यहाँ नहीं कोई जेसीपी है ना कोई, देखे ट्रैक्टर भी देखो फंस रहा है और फिर भी भग रहा है ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर गौशाला का ट्रैक्टर फिर भी भग रहा है, रोक नहीं रहा, देखो भग रहा है, हम पीछे पीछे भग रहे हैं, ये आगे आगे भग रहा है, लेकिन ये लोग भगा रहे हैं। गायों से भरा ट्रैक्टर है, पूरा गायों से मरा हुआ बछड़ा, पूरा कचरा उचरा डाल के इस तरह से लेके आए ताकि किसी को पता ना चले। देखिए आप ये देखिए नीम का थाना की गौशाला की हालत, कूड़ा में जैसे कूड़ा कचरा में डाल के छोटे छोटे मरे हुए बछड़े को भी कूड़े में डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी गायों को भी लंपी वायरस से नहीं इलाज किया जा रहा है, और इनकी बजाय मरी हुई गायों को कूड़ा से लपेट कर बाहर डाला जा रहा है, नहीं किसी जेसीबी के द्वारा, नहीं किसी और के द्वारा, लेकिन खुलेआम घेर रहे हैं। यहाँ और भी गायों को डाला रखा है, यहाँ और भी गाय मरी हुई दिखा रहा हूँ आपको, देखो इस तरह से कूड़े में और भी डाला जाता है गायों को, देखो ये मरी हुई गाय पड़ी, ये गौशालाओं की हालत है, नीम का थाना गौशाला की हालत, देखिए ये गाय और भी पड़ी हैं, इन कूड़ों में दफनाते हैं ये लोग, बहुत पड़ी है, उल्टी भी आ रही हम लोग। हम लोगों को इन बदबू से उल्टी भी आ रही है। हाँ वो दिखा रहा हूँ ये भैया, ये गोपाल गौशाला की हालत देखिए, कचरे में देखो गौओं को किस तरह से लपेट के लेके आते, छोटे छोटे बछड़े देखो,
है गाय गौशाला की है क्या? गौशाला से आई है? कौन सी गौशाला से? गोपाल गौशाला से? ये ठीक है, यहाँ ट्रैक्टर चालक ने भी अभी बता रहा है कि गौशाला गोपाल गौशाला से गाय आ रही है, जो पहले से भी यहाँ लंपी से क्षतिग्रस्त गायों की हालत मरने के बाद में यहीं डाला जाता है खुलेआम। देखो ये गाय पड़ी, बहुत सारी पड़ी है यहाँ, इतनी बदबू लग रही है, बहुत आगे तक पड़ी है। एक तरफ तो सरकार गायों के लिए हर गौशाला में बजट दे रहा है, दूसरी तरफ अध्यक्षों की लापरवाही से वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर आज कहाँ गया, जो लंपी वायरस में जो गायों की हालत देखते हुए आज सयाम खुलेआम नहीं, क्यों नहीं आ रहे? क्या उन पर दबाव है, किसी प्रशासन का दबाव है? देखिए ट्रैक्टर भी भाई साहब, जो ये गाय डाल रहे हैं ये नगर पालिका द्वारा डलवा रहे हैं या गौशाला की तरफ? ये गौशाला के द्वारा डलाई क्या? ये गाय गौशाला की ही है, ये गौशाला की है। अच्छा, गोपाल गौशाला की, दौलत राम गोयल की। अच्छा, कोई नगर पालिका तो तुम्हें सारी ड्यूटी नहीं भारे हो? ड्यूटी नहीं भारे ना, बस ड्यूटी है सारी। और आज जेसीबी नहीं चली यहाँ पे, कितनी गाय गिर दिया अभी तक? अरे कितनी गाय गिर दिया? कचरे में डाल दिया 20 गाय। चलो अच्छा 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 अच्छा, गौशाला ला के दे रहे हैं पैसा? गौशाला ला अपना 3 रुपया दे रहे हैं? कोई नहीं, गेर बागा डालने का कोई पैसे नहीं देते? दौलत राम गोयल की गौशाला से है या गाय? मतलब गोपाल गौशाला दौलत राम की गौशाला की गाय ही है, जोड़े लार गिरे हो। चलो ठीक है, ड्यूटी कर रहे होते। ठीक है जी, और के नाम जी, और अरे आज जेसीबी को नहीं ना खाडो खुद रही जो दफन होगी। अच्छा, आज से पहले वो जो गाय आज से पहले पड़ी थी उनका दफन क्यों नहीं हुआ? वो भी पहले दफन हुआ था, वो क्यों सरियाम खुलेआम पड़ी? वो क्या है, कल मतलब वो उधर लग रही थी जेसीबी। अच्छा, शाम को आएगी ट्रैक्टर नगर पालिका को लगाई जी? ये नगर पालिका सारी ड्यूटी कर रहा हूँ, और गोपाल गौशाला की गाय। ठीक है जी, दौलत राम जी आया कतक दिन हो गए? आएंगे नहीं, अब तो गया बताया।